को दिखा करके आएगा कि हरदी का घर यही है, हरदी का घर वो है। लड़की तो एक नंबर का रंडीवाज लड़की है, मनुआ का ही सब चाल है, मनुआ अर्तिया दोनों विचार लेता है। कोई बाप अपना बेटी को धमकी नहीं दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भोसड़ी वाली अपना हवस मिटाने के चक्कर में 8 आदमी को जेल भेज दिया, आई मनुआ मिल करके कहता है, कोई धमकी देता है। दू को मोटरसाइकिल से 4 गो लड़का आया, बोल रहा था आरती का घर ये है, मारने वाला घर पूछने के लोग को दिखा करके आएगा कि आरती देखिए ये रोशन बाबू, ये तो रंगरलिया लड़की है, अपने हवस के चक्कर में निर्दोष आदमी को जेल भेज दिया, आज जेल से आया है एक ही दिन में इसको धमकी देने लगा, ऐसा कहीं हो सकता है? अब देखिए कोई बाप अपना बेटी को धमकी नहीं दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भोसड़ी वाली अपना हवस मिटाने के चक्कर में 8 आदमी को जेल भेज दिया, आई वो मिल करके कहता है को धमकी देता है। धमकी का देगा, मारने का रहेगा तो तुमको एक दिन में आकर के मार देगा। बिल्कुल, धमकी का है देगा, ये सब झूठ फूस का नाटक कर रही है लड़की, समझे ना? कोई धमकी उमकी का बात नहीं है, वो सब बेचारा स्वतंत्र आदमी है, सीधा साधा आदमी है, जेल से आया है, अपना घर पे है, कहीं कुछ धमकी नहीं है। और ये सब कोई बात नहीं है, उमेश यादव बोल रहा था कि दू गो मोटरसाइकिल से 4 गो लड़का आया, बोल रहा था आरती का घर ये है, रे बेटी चोट के जन्मल, मारने वाला घर पूछने के लोग को दिखा करके आएगा कि आरती का घर यही है, आरती का घर वो है। अरे बेहया लड़की, तुमको जरा सा भी शर्म नहीं रहा, अपने माँ को, बाप को, जीजाजी को, नाबालक भाई को जेल भेज दिया, तो वो सब विवशनीय आदमी है तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा, करने का रहता तो साला तुम ऊपर कब ने कर दिया होता। ये सब रोशन बाबू कोई बात नहीं है, ये सब झूठ फूस बात है, और छोरिया अपना वीडियो को व्यू बढ़ाने के लिए कुछ से कुछ बोलते रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही लग रहा है, कोई भी जिनका कल परसों बेल हुआ है वो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। ये पब्लिक को जो है भरमाने का काम करती है, मतलब नाटक बोलिए इसको, नाटक कर रही है। बिल्कुल रोशन बाबू से कुछ यूट्यूब पर बनाते रहता है।